It's that let you go. No, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that let you go. तो आज हम अपनी इस क्लास के अंदर बात कर रहे हैं भारत की चुनाव आयोग या आयुक्त की इलेक्शन कमीशन। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। इलेक्शन कमीशन जिसको हम कह सकते हैं ईसी। तो हम देखेंगे ई जो कि अंग्रेजी के अल्फाबेट शब्द में 5 नंबर पे, सी है वो 3 नंबर पे, 5 × 3 = 15 में कौन? इलेक्शन कमीशन। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों हमें कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 15 में। तो आप देखोगे कि यह एक संवैधानिक स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय है भारत का, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 15 में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत के प्रथम चुनाव में सूर्य कुमार सिंह भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 1993 तक भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। दोस्तों ध्यान रखना है एक सदस्यीय का मतलब एक ही सदस्यीय भारत का चुनाव आयोग बनता था। लेकिन 1992-93 के बाद जब 3 सेशन भारत के चुनाव आयोग बने, उसके बाद में देखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के कारण भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का चुनाव आयोग है, तो वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त है जो कि वर्तमान में अचल कुमार ज्योति, जो कि भारत के 21वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, जबकि दो अन्य ओम प्रकाश रावत और सुनील अरोड़ा, ये दो भारत के अन्य चुनाव आयुक्त है। अचल कुमार ज्योति मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो कहने का मतलब वर्तमान में 3 सदस्यीय भारत का चुनाव आयोग है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। उसके आगे आप देखेंगे भारत के चुनाव आयोग की स्थापना। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान भी रखना आपको कि इसी 25 जनवरी को भारत सरकार 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है 25 जनवरी को प्रति वर्ष, क्योंकि 25 जनवरी को हमारे भारत की चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों फिर मैं एक बार अपील करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं आपको राजनीति विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो कि हमारे कॉम्पिटिशनों में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पे मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चुनाव आयोग या आयुक्त, आज का हमारा टॉपिक है भारत का चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त। देखो दोस्तों संवैधानिक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय होने के कारण भारत के चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भारत में चुनाव करवाना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद में यहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं चुनाव, और चुनाव का जो आधार, चुनाव का जो एजेंडा या चुनाव की जो संरचना तय करता है वो होता है भारत का चुनाव आयोग, जो कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में। आगे बढ़िए भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र हमारी भारत की राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र? राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन 3 है, उत्तर एक ही बनेगा, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में चुनाव आयोग का कार्यकाल, तो
तो दोस्तों ध्यान रखना है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, अगर 6 वर्ष पहले होते हैं तो कार्यकाल गुजरेगा, 65 वर्ष की आयु होती है तो उसका कार्यकाल पहले हो जाएगा। तीनों का समान कार्य है। काम माना जाए वेतन, तो वेतन भत्ता प्रत्येक सदस्य को, क्योंकि हमने देखा भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, प्रत्येक सदस्य को 90,000 रुपए, प्रत्येक सदस्य को 90,000 रुपए मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं जो एक न्यायाधीश को जो सुविधा मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं आवास है, उसके बाद में वाहन है, चिकित्सा भत्ता है, पानी बिजली निःशुल्क प्राप्त होगी। बच्चों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि भारत के चुनाव आयोग का मासिक वेतन होता है तो 90,000 रुपए मासिक वेतन होता है, जबकि दूसरी अनुसूची में इसके वेतन का उल्लेख नहीं है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में चुनाव आयोग को हटाना, तो ध्यान रखना है दोस्तों भारत के चुनाव आयोग को संसद प्रस्ताव लाकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही भारत का चुनाव आयोग अपना पद छोड़ेगा। तो कहने को हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, जिस प्रकार महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। उसके आगे दोस्तों हमें लिखना है भारत का चुनाव आयोग काम क्या करता है, कार्य क्या है, उसके अधिकार शक्तियां या कार्य, तो ये उदाहरण है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का कार्य होता है चुनाव करवाना, लेकिन दोस्तों ये ध्यान है पहला कार्य चुनाव करवाना नहीं होता, बल्कि उससे पहले उसको कुछ अन्य कार्य भी करने होते हैं। क्या सबसे पहले चुनाव करवाएगा? चुनाव नहीं, ये जाना चुनाव करवाने से पहले उसको कुछ संरचनाएं तैयार करनी होगी। चुनाव आयोग का फर्स्ट पहला कार्य जो कि ध्यान है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भारतीय राजव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, तो इसलिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो हम बात करेंगे दोस्तों चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियां। चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना या सीमांकन करना, सीमाएं तय करना, अलग अलग क्षेत्रों की सीमाएं तय करना चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि एक परिसीमन आयोग बिठाया जाता है जिसका अध्यक्ष होगा भारत का चुनाव आयोग। अब तक भारत में 4 परिसीमन आयोग बैठ चुके हैं दोस्तों, 1952, 1962, 1973, 2002। परिसीमन आयोग अब तक भारत में कितने बैठे हैं? 4, जिनका अध्यक्ष होगा भारत का चुनाव आयोग। जबकि संविधान में प्रावधान किया गया था दोस्तों कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक भारत में 4 परिसीमन आयोग बैठे हैं जिनके आधार पे परिसीमन किया जाता है, सीमांकन किया जाता है, सीमाएं तय की जाती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भारत के चुनाव आयोग का ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ऐसा कौन सा कार्य है? तो दोस्तों ध्यान है परिसीमन या सीमांकन करना जो चुनाव आयोग का कार्य है उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि इसने जो सीमाएं तय कर दी वो तय कर दी फुल एंड फाइनल, इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूचियां बनाना या तैयार करवाना, जो कि वयस्क नागरिक हो चुका है, जो कि मूल संविधान में 21 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 में जिसकी आयु 18 वर्ष का दी गई, जो भारत का 18 वर्ष का होगा वह वयस्क नागरिक होगा और उसका मतदाता सूची में नाम होगा। प्रत्येक चुनाव से पहले चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो दोस्तों, उससे पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता है और उसके आधार पे ही मतदान किए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना, क्योंकि राजनीतिक दलों के बगैर चुनाव संभव नहीं है, तो इसलिए राजनीतिक दलों को मान्यता भी देते हैं, जैसे राष्ट्रीय दल की, क्षेत्रीय दल की, प्रांतीय दल या पंजीकृत दल, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है।
उसके आगे राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य। जैसे कि हम देखते हैं बीजेपी को कमल का फूल, कांग्रेस को हाथ का पंजा, जैसे बसपा को हाथी बीवी पृष्ठभूमि, तो उस प्रकार से आरक्षित चुनाव चिन्ह देना भी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। इस कार्य के विरुद्ध ये ध्यान है दोस्तों, अपील हो सकती है, ध्यान देने। देखो दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान है, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध अपील नहीं होगी न्यायालय में, एक ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील हो सकती है। तो ध्यान है, जो कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं उसके विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है। उसके आगे चुनाव करवाना या चुनाव का संचालन, चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है चुनाव करवाना या चुनाव का संचालन करना। जैसे हम देखते हैं भारत में लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, इनके चुनाव करवाने का जो जिम्मा है वो है भारत के चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का, जो कि भारत में चुनाव करवाने का कार्य करता है, उनकी तिथियां तय करता है, आचार संहिता की तिथियां तय करता है, नामांकन की, उसके नामांकन वापसी की, उसके बाद में देखते हैं मतदान की और उसके बाद में मतगणना की, ये सभी तिथियां तय करके चुनाव संचालन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो भारत का चुनाव आयोग करता है दोस्तों। ये ध्यान है भारत के चुनाव आयोग का अति महत्वपूर्ण कार्य। उस बाद में आगे न्यायिक कार्य 102 के तहत पाकिस्तान के अनुच्छेद 102 के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद सदस्य की नियोग्यता के मामले में परामर्श देगा भारत का चुनाव आयोग, और वहीं राज्य विधानमंडल के सदस्य की नियोग्यता के बारे में 112 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को परामर्श देगा। आगे न्यायिक कार्य इसका, जो कि हम देखेंगे एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए की नियोग्यता संबंधी मामलों की सिफारिश करता है, एमपी की करेगा राष्ट्रपति को, एमएलए की करेगा राज्यपाल को। उसके आगे हम कहते हैं अन्य कार्य, जैसे आचार संहिता लगवाना, चुनाव के लिए प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को फोटोग्राफ से युक्त पहचान पत्र दिलवाना, उसके बाद में जो कि मतदाता सूचियों के लिए प्रशिक्षण तैयार करवाना, उसके बाद में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, उसके बाद में जो चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवार है उनके खर्चे को तय करना, और ये मानो चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सरकार को सिफारिश या सलाह या परामर्श देना, ये भी भारत के चुनाव आयोग का कार्य है। तो दोस्तों आज हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा, भारत का चुनाव आयोग या आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, ईसी, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है दोस्तों, जो कि एक संवैधानिक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, जो कि पहले प्रारंभिक सदस्य था, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने, जो कि भारत की अब तक 3 महिला चुनाव आयुक्त बनी है, वी एस रमा देवी 1990 में। ये भी ध्यान है, कई बार कम्युनिस्टों में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत की कितनी महिला चुनाव आयुक्त बन चुकी है, तो एक ही महिला चुनाव आयुक्त बनी है 1990 में। उसके बाद में 93 में भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय बन गया। ये भी हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय है। उसके आधार में देखा नियुक्ति शपथ त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा होता है, उसके बाद में हमने कार्यकाल, उसका वेतन भत्ता, उसके बाद में उसके महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे, किस तरीके से चुनाव आयोग भारत में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो इलेक्शन कमीशन भारत का चुनाव आयोग। दोस्तों ध्यान रखना है वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग अचल कुमार ज्योति, जो 21वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त 21वें नंबर की, इनसे पहले अब तक 20 भारत के मुख्य चुनाव बन चुके हैं, बल्कि 2 अन्य हैं, क्योंकि 3 सदस्य हैं दोस्तों, जिसमें अचल कुमार ज्योति मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, अन्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत और दूसरे नंबर पे सुनील अरोड़ा। तो ये है भारत के चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण जानकारी, जो हमें कई कंपटीशनों में पूछी जाती है दोस्तों।
तो इस पे थोड़ा सा गौर करना, और जो मैंने जानकारी बताई है वो अति महत्वपूर्ण है, जो हर कमेडी में आपके काम आ सकती है। और ये भी आना है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो भी टॉपिक आपसे मेरे को समझना है, कृपया मेरे को उसकी कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो